नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव बरूकी में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइशी मौके पर 12 वफात जलूस मोहम्मदी निकाला गया। स्थानीय मदरसा कादरी उलूम में जलसे का आगाज किया गया। जलसे को संबोधित करते हुए कारी साबिर रजा हाफिज फैजान ने सीरतुल नबी पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इस्लाम धर्म में भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, गरीबों की मदद करना, अपने बड़ों को सम्मान व बच्चों की शफाकत करने, महिलाओं की इज्जत करने का पैगाम देता है। उन्होंने इस्लाम के अनुयायियों से अपील करते हुए कहा कि वह पाबंदी से नमाज पढ़ते हुए इस्लाम में दिए हुए सभी अरकान को मानते हुए इस्लामिक तरीके से जीवन यापन करना चाहिए तथा अपने वतन से मोहब्बत करते हुए कायम करना चाहिए। जलसे के पश्चात जुलूस मोहम्मदी गाँव के निर्धारित मार्ग से वापस होते हुए मदरसा कादरी उलूम में कौम व वतन के लिए सलामती की दुआ के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर शमीम अहमद, नवीन अहमद, नईम अहमद, रफीक बुनियाद अली, नजाकत हुसैन, मोहम्मद रईस, नसीम मास्टर, नवील मोहम्मद, कफील शाहबाज, हाजी इकबाल, इरफान इलियास आदि मौजूद रहे। निकालते और आज के दिन जो है 12 रबी अव्वल के दिन उनकी पैदाइश का दिन है और कई जगह, बहुत सारी जगह ये जुलूस कायम था और यहाँ भी निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह ताला और हर साल निकलता रहेगा। और मैं यही कहता हूँ कि सभी हजरात प्यार मोहब्बत से और भाईचारे के साथ ये जुलूस को निभाए, इसमें कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था आपको मालूम नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।